इस फिल्म के बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, भारत के इतिहास को बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा भी है, महसूस भी किया है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी लंबी लड़ाई का एक पड़ाव था जो लगभग लगभग 25 सितंबर 1025 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चली। अनेक विध आक्रांताओं ने हमारे मान बिंदुओं की, हमारी सीमाओं की, हमारी संस्कृति पर आक्रमण भी किया, कई बार परास्त भी हुए, परंतु इसके सामने की लड़ाई हिंदुस्तान की धरती ने कभी खत्म नहीं की। कभी कोई पृथ्वीराज बनकर लड़ा, कहीं कोई भीमदेव बनकर लड़ा, कोई सिंध के राजा दाहिर बनकर लड़ा, कोई कश्मीर के अनंतपाल लड़कर पड़ा। ये सब ने लड़ते लड़ते सालों के सांस्कृतिक यार हो सकती है, और दोनों कलाकारों ने इसके अंदर जान डालने का काम किया है। मैं दोनों